मैं आज सभी को प्रभु यूशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ आज के इस सभा में आई वुड लाइक टू वेलकम इच एंड एवरी वन देट इज प्रेजेंट हियर मोस्टली माय ब्रदर एंड सिस्टर दे आर थैंक यू फॉर कमिंग गॉड ब्लेस यू यू आर पार्ट ऑफ दिस सर्विस एंड पार्ट ऑफ दिस फैमिली सो मेनी ब्लेसिंग्स टू यू मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर ने मुझे आज इस जगह पर लेकर आया है <coughs> और um, मुझे चुना है उसके कार्य के लिए उसके जो सुसमाचार है उसको प्रचार करने के लिए और साथ साथ में परमेश्वर के जो राज है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रभु कीजिए यह सब परमेश्वर की योजना के द्वारा होता है और जैसे आप यहाँ पे बैठा है परमेश्वर ने भी आपको चुना है सिर्फ मुझे नहीं चुना है लेकिन जितने भी जन यहाँ बैठा है सभी को आज परमेश्वर ने चुना है और आप खास है उसके नज़र में आप उसके आम, आ, उसके जो उपस्थिति है उसमें आप ख़ास हैं हर एक जन और परमेश्वर जो है वो हमारे साथ में है हमें मदद करता अगुवाई करता है और हमारे साथ में रहता है गॉड हैज़ चूजन ईच एंड एवरी वन ऑफ आसिया एंड यू आर स्पेशल इन इज साइट इन इज आइज़ और परमेश्वर आज हमारे बीच में है और um, मैं आज खुश हूँ कलाम ज्योति कलिशिया से प्रेम लेकर आता हूँ और हमारा जो सभा वहाँ पे होता है और आज मैं यहाँ हूँ अपने माता चर्च में अपने घर पर और मुझे बहुत खुश लगता है क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे जो कलिशिया है पुराना कलिशिया था फिर नया कलिशिया बना और धीरे धीरे यहाँ पे कैसे जो चीज़ प्रोग्रेस हुआ हमारे मुख्य पादरी के नीचे मैं आज के धन्यवाद देता हूँ कि उसके द्वारा मैं आज प्रभु शिव मसीह जानता हूँ उस परिवार के द्वारा और धन्यवाद देता हूँ सह पादरी शिलेश के कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं आकर यहाँ प्रचार कर सकूँ और मुझे खुशी भी लगता है नए जन यहाँ पे देख कर और साथ साथ जो हमारे पुराने जन है प्रभु की जय पुराने जन भी हमारे साथ में मैं जब छोटा था मैं उनको देखा और आज भी वो यहाँ पे है सो so, मैं आज आपको भी स्वागत करता प्रभु प्रभिशु बसी के नाम से अगर आपके पास धर्मशास्त्र थे आप खोल ले बुक ऑफ एफिशियंस इफ यू हैव योर बाइबल्स विद यू प्लीज स्टेंड टू बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर वन एंड टुडे विल बी रीडिंग फ्रॉम वेस्ट 17 टू ट्वेंटी थ्री ये जो बुक ऑफ आप खोलें इसको चैप्टर वन वे सेवनटीन से लेके ट्वेंटी थ्री तक इसको हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे सबके मिल गया इसके हम साथ में पढ़ेंगे That the, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in knowledge of Him. And then we'll see. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling what are the riches of the glory of his inheritance in saint and what is exceedingly greatness of his power towards us who believe according to the working of his mighty power which he worked in christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand of the heavenly places Far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. And he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his body and fullness of him. फील्स ऑल इन ऑल प्रभु की जय हम परमेश्वर धन्यवाद है इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें मान शक्ति शक, मान परमेश्वर आज हम तेरे चरणों माते यीशु के नाम से प्रभु तेरा जो वचन पर आशीष रहे हरिजन सुनेंगे अपने दिल में उसको ग्रहण करेंगे और प्रभु इसके द्वारा उनका जो जीवन है और भी बलवंत होगा मैं आज सभी को इस वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ए मैन ए मैन जैसे आज हम वचन को पढ़े हैं, और हम लोग देखे हैं यहाँ पे जो वचन है आज बताती है परमेश्वर के विषय में और जो वे सेवेंटीन ने जैसे हम पढ़े हैं, कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर है वो महिमा से भरा हुआ और साथ साथ परमेश्वर जो है आत्मा बुद्धि और उसका जो नॉलेज है परमेश्वर से भरा हुआ है क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है विराजमान है वो प्रभु का प्रभु है उसने आज पूरे संसार को बनाया आज हर एक मनुष्य को बनाया आज हमें तुम्हें बनाया उसका जो कार है वो अद्भुत है और आज भी परमेश्वर अपना जो सामर्थ्य हमारे बीच में दिखाता है हमारे जीवन में वो जो कार्य करता है परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई को लेकर आता है हमारे जीवन में हमें ज्ञान बुद्धि समझ अपने पवित्र आत्मा से भरता है वो जो परमेश्वर है आज वो आज भी जीवित है और परमेश्वर आज हमें पुकारा है एक आशा के द्वारा हर एक जो लोग यहाँ पे बैठा है हमें एक आशा के द्वारा परमेश्वर पुकारा है एक आशा को दिया है कि परमेश्वर का जो महान महिमा उसकी महान जो रिचूज है उसका जो महान आ, जो दौलत है परमेश्वर में हम और आप जो उसको उसको सेवा करते हैं उसको हम सके उसको हम अभागी बन सके और परमेश्वर की जो ताकत है हमारे अंदर में उसके आत्मा के द्वारा हमारे अंदर में वो जो कार्य कर सके फिर में हम देखते हैं कि परमेश्वर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया और आज उसको उस जगह पर बैठाया जहां परमेश्वर है कि हर एक ताकत के ऊपर आज परमेश्वर मसीह का जो नाम है परमेश्वर का जो नाम है इस दुनिया में वो कायम है और वैश्वरी टू कहता है कि हर एक चीज परमेश्वर के पैर के नीचे है क्योंकि परमेश्वर जो है आज इस कलिशिया का ये जो पृथ्वी है ये जो भूमंडल है उसका रखवाला है हर एक चीज उसके नीचे है हर एक जो शामत है वो परमेश्वर को मिला है और आज हम और तुम परमेश्वर के नीचे है उसके साथ में है उसके जो छाया के नीचे है और आज जो शीर्षक मैंने चुना हूं वो है कि क्या हमारा जो नजरिया है हम प्रभु यीशु मसीह को तो परमेश्वर को साफ तरीके से देख सकते हैं हमारा जो आत्मिक आँख है क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं क्या हमारा जो निशाना है हमारा जो ठिकाना है जो हमारा नजर है परमेश्वर पर फोकस है आज क्योंकि हम मनुष्य हैं हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं लेकिन ये जो जीवन है आज स्पीति जो है बहुत कुछ उसमें होता है और कई एक जो मसीहा लोग है, इसमें फंस जाते हैं कई एक जो क्रिश्चियन हम फंस जाते हैं और क्या होता है कि हमारा जो नजर है परमेश्वर पे हट जाता है और जब नजर हट जाता है तो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर से दूर चल देते हैं परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देता है और जो सारा है हमें मिल नहीं पाता है सो so, आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि किस रीति से हम अपना जो नजर है परमेश्वर पर बरकरार रख सकते हैं, प्रभु जय परमेश्वर बरकरार और कोई चीज पे नहीं अपना जो धन दौलत पे नहीं अपना जो स्टेटस है उस पर नहीं अपना जो नौकरी उस पर नहीं अपना परिवार पे नहीं किसी मनुष्य पे नहीं किसी देश पे नहीं किसी देश के जो सरकार है उस पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर हमारा जो निगरानी है उस पर रखना बहुत जरूरत है जय क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया इस संसार हमें नहीं बनाई ये जो यहाँ के लोग हमें नहीं बनाए, बनाए। परमेश्वर ने हमें बनाया है और हमारा जो नजर है जिसके द्वारा आज हम उधार को पाए जिसके द्वारा आज हमें वो आश्वासन को मिला जो आनंद जीवन है अपना जो नजर है उस पर रखना बहुत जरूरत है हमारा जो नजर है वो इर्द गिर नहीं जाना है लेकिन परमेश्वर पर सदा कायम रहना है अगर अंग्रेजी में इसको देखेंगे तो ये जो शीर्षक है ये कुछ इस प्रकार से रहेगा सी गॉड क्लियरली सी गॉड क्लियरली जैसे हम लोग पढ़े कि परमेश्वर आज इस वचन में वो किस प्रकार से है परमेश्वर कौन है आज सिंपली वी नीड टू नो हु गॉड इज प्रेज द लॉर्ड कि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गया है जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुख्य स्थान को दे दिया है जब हमारा वो प्रभु है हमारे जीवन में हमें जानना है कि वो कौन है वेन वी हैव गिवन आवर लाइफ टू गॉड ही इज इन कंट्रोल ही इज द लॉर्ड ऑफ आवर लाइफ वी नीड

आज हम लोग देखते हैं कि कई एक जो ईसाई है परमेश्वर के जो कैपेबिलिटी है परमेश्वर के जो जो परमेश्वर हमारे जो कर सकता है जो पॉसिबिलिटी है उस पर हमारा जो विश्वास है वो नहीं रहता है काम रहता है संकट आता है मुसीबत आता है और हम लोग भागने लगते हैं इधर से उधर कई एक जो ईसाई है वो भागने लगता है और परमेश्वर के जो कार्य अपने जीवन में नहीं देता है क्योंकि उसका जो कैपेबिलिटी है वो जानता नहीं है कि परमेश्वर के जीवन में क्या कर सकता है हाउ कैन आई हैव अ बेटा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद हिम प्रभु कीजे? कि हर एक समय हमें एक चीज करना है जब हम प्रभु मसीह में आ गए हैं हमें कौन चीज करना है आगे को बढ़ना है अपन जो जीवन है प्रभु यीशु मसीह में उसको बलवंत और मजबूत बनाना है उसके ताकतवर बनाना है उसके साथ में जो रिश्ता है मजबूती तरह से बाघो जखड़े रहो परमेश्वर के हमारा जो निगरानी है परमेश्वर पे दिन दिन बागो फोकस रो फिर उतना काफी नहीं है हम के जीवन में हाउ कैन आई प्लीज हिम एक वर्तबा क्या होता है कि हम जो ईसाई हैं हम जो अपने आप को कहते हैं कि हम परमे परमेश्वर के आ, पीछे चलते हैं कि हम क्रिस्ट जो है हम लोग आप खुद अपने आप को चाहते हैं प्लीज करने के लिए लेकिन आज हमारा जो परमेश्वर है हमें आज जानना है कि हाउ कैन आई प्लीज हिम हाउ कैन आई प्लीज गॉड बिकॉज ही इज द ऑल माइटी क्रिएटर इज़ द लॉर्ड ऑफ और परमेश्वर को हमें प्लीज करना है कि क्या कुछ हमें करना है हाउ डू आई ट्रस्ट हिम कि परमेश्वर कैसे हम अपना जो भरोसा रख सकते हैं परमेश्वर के जो चरित्र है वो क्या है आज परमेश्वर क्या चाहता है उसका जो इच्छा है हमारे जीवन खातिर परमेश्वर आज कौन सी मांगे ये सब चीज आज हमें जानना बहुत जरूरत है और इसके लिए हमें बाइबल को पढ़ना है कलिश्य को आना है इसे आप आज यहाँ पे आए आप शिक्षा को पाते हो और साथ साथ में आप बजबीती को पाते हो बलवन पे हो और जब आप ऐसे समय पर आते हो कलिश्य को आते हो आप तेजना को पाते हो आपके जीवन में जो दुर्बलता रहता है जो संकट रह, समस्या रहता है उससे खातिर परमेश्वर आपके आशा को देता है आपको मदद करता है आपके जीवन एक आश्वासन रहता है आपके जीवन एक उम्मीद रहता है आपके जीवन में आप जान सकते हो कि हाँ मेरा परमेश्वर जो है वो बहाने और मेरे लिए वो सब कुछ कर सकता है ये जो विश्वास में रखना है आज ये जो निगरानी है अपना परमेश्वर पर बरकरार रखना है तभी हम देखेंगे कि हमारे जीवन है परमेश्वर अपना जो कार्य है वो कर सकता है हमें उसके साथ में ये जो संबंध है रिश्ता है उसको मजबूत बनाना है उसको कायम रखना है मैथ्यू चैप्टर थर्टीन वे सिक्सटीन मैथ्यू चैप्टर थर्टीन वे सिक्सटीन Be blessed are your eyes for they see and your ears for they hear. Prabhu Ki But blessed are your eyes and for they see एन यो ईज फॉर दि प्रभु कीज कि परमेश्वर आज हमारे जो आंख है आत्मिक आख आत्मिक आंख से इसे परमेश्वर पर मगन रहते हैं उस उसमें मेडिटेट करते हैं परमेश्वर विषय में विचार करते हैं उसके जो भानता है परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर जो हमारे जीवन में करता है उसको हम जब धन्यवाद देते हैं विचार करते हैं हमारा जो मन के आंख है उस पर लगा रहना बहुत जरूरत है और जब तक वो लगा रहता है हम लोग तो देखते हैं और फिर वे सेवनटीन हम देखते हैं वे सेवनटीन कहता है आई से टू यू that मेनी प्रॉपर एंड righteous मैन डिजायर टू सी what यू सी एंड डिड नॉट सीट एंड टू ही वट यू ही एंड डिड नॉट ही प्रभु की जय हम लोग देखते है कि जब हम लोग के जो आंख है जब आत्मी का आंख खुला नहीं रहता है परमेश्वर पे हम लोग बने नहीं रहते हैं तब क्या होता है जो चीज परमेश्वर में दिखाना चाहता है उसको उनमें देख पाते जो चीज परमेश्वर में बताना चाहता है उसको उनमें सुन पाते और हमारे जीवन में बाधा हो जाता है जो ना जो था परमेश्वर ने इसको कुछ दिखाना चाहा, वो नहीं देख सका परमेश्वर से कुछ बताया वो सुना नहीं और फिर अंत में मुसीबत पड़ गया सो तो आज हम लोग देख सकते हैं कि ये जो महान लोग थे बाबल में जब वे परमेश्वर के देख नहीं सके जो परमेश्वर दिखाना चाहता है जो शून्य से परमेश्वर जो बताना चाहता है हम लोग देखते हैं कि वो मुसीबत में फंस गए आज हमें क्या करना है परमेश्वर के करीब आना है दिन प्रतिदिन कि हमारा जो जीवन है परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और दिन प्रतिदिन करीब आना है तभी हमारा जो रिश्ता है हमारा जो कनेक्शन है वो बना रहेगा परमेश्वर में तभी हम परमेश्वर के पास जाकर अपना जो प्रार्थना का निवेदन है उसको पास जाकर और प्रार्थना कर सकते हैं मान सकते हैं क्योंकि हमारे करीब है दूर अगर रहेगा परमेश्वर हम नहीं मांग सकेंगे कुछ हम उससे रिश्ता नहीं रख सकेंगे क्योंकि दूर है दिखाई नहीं देता है कैन यू सी द मोस्ट हाई गॉड वर्किंग इन योर लाइफ क्या आज हम देख सकते कि परमेश्वर हमारे जीवन काम करता है कि इज रियली गॉड वर्किंग इन योर लाइफ इंडिविजुअली हमारे जीवन में क्या परमेश्वर काम करता है आज क्या हमारा जो कनेक्शन वो सही है अभी करीबन तीन महीना हुआ मेरा जो एरियल है टीवी का खराब हो गया टीवी नहीं चलता है सो so, मुझे क्या करना पड़ा जाकर नया एरियल लाना पड़ा और जब मैंने नया एरियल ला कर ला कर उसको कनेक्ट किया टीवी में एक बार फिर से जो टी वी में चल पड़ा हमारा जो जीवन शायद इसी प्रकार से है कि जब तक परमेश्वर में हमारा जीवन बना है जब तक परमेश्वर को हम देख सकते हैं नज़दीक पे तब तक उसके साथ में ये जो कनेक्शन है जो हमारा साथ में जो रिश्ता है वो कायम रहेगा वो मजबूत रहेगा और हम लोग बातचीत कर सकेंगे परमेश्वर से साथ में उसके साथ में एक जो रिश्ता है वो रख सकेंगे अभी कोई जन दूर है शायद हमें देखने में दिक्कत होगा नहीं हम देख पाएंगे इसको लेकिन वही व्यक्ति अगर नजदीक आता है आपको आप उससे बातचीत कर सकते हैं अपना जो रिश्ता रख सकते हैं उसको देख सकते हैं उसके हालचाल जो है पूछ सकते हैं उसी तरह आज हमारे जो आत्मिक जीवन है कुछ इस प्रकार से है कि हमें परमेश्वर के नजदीक रहना बहुत जरूरत है बाइबल में हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति के विषय में बुक ऑफ लुक चैप्टर 19 और वेस्ट 1 और 10 अगर हम लोग देखेंगे इसको मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन आप इसको लिख कर रख ले आप घर पर जाकर पढ़ सकते हो बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 और वेस्ट वन टू टेन यहां पे हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति के विषय में यह जो व्यक्ति था जेक्यूस था और अगर हम ये जो भाग हम पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक दिन प्रभि सुमसी उस जैनिकों के जो नगर है उस पर से होकर वो जाता था और ये जो व्यक्ति था जेकियस ये एक जो टैक्स कलेक्टर था एक जो मुंजी लेने वाला व्यक्ति था और उसके जीवन में कोई चीज ठीक नहीं रहा कोई चीज नहीं ठीक रहा क्योंकि उसके जीवन में वो जो बेमानी रहा लालचपन रहा पैसा के उसके जीवन में कई एक और भी जो चीज था उसके जीवन में पाप था और ये जो व्यक्ति था ये जानता था ये सब चीजें इसके जीवन में और उसने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह जीवन को बदलता है प्रभु यीशु शुमसी कार्य करता है मसीह क्षमादान को देता है प्रभि सुमसी आनंद काल का जो जीवन उसको देता है वो सुना था देखा नहीं था अभी और उसके जीवन में अंदर अंदर तरह से ये जो पाप था उसको दबाता था नीचे उसका जो पाप था जो कुछ भी करता था हम लोग देखते हैं कि ये सब जो चीज था उसको वो अंदर से सो खोखला बना दिया और एक दिन उसने यह योजना किया कि प्रभु ईशु मसीह आता है मैं उससे मुलाकात करूंगा मैं प्रभुष मसीह को देखना चाहता हूं प्रभु की जय मैं प्रभुषु मसीह को देखना चाहता हूं मुलाकात के बाद तो छोड़ दो लेकिन मैं खरी यीशु मसीह के देख लूंगा उसके दिल में इतना भारी विश्वास प्रभु शुभ मसीह के प्रति था कि उसने ये विश्वास किया कि खाली मैं देख लूंगा यीशु मसीह के मेरा जो पाप से क्षमा हो जाएगा और वैसे हुआ जैकेस जो था उसके पास सब कुछ था उसके पास दौलत था बड़ा सा घर था परिवार था उसे जो तंदुरुस्ती ठीक था प्रभु मसीह की जरूरत नहीं था लेकिन उसका जो पाप था उसका जो ये जो बेमानी का जो कार था ये जो पैसा का जो लालचपन था हम लोग देखते हैं इसके अंधरी तरह से इसे खोखला कर दिया अंधरी तरह से इसके जीवन में शांति नहीं था अंदर से हम लोग देखते हैं कि इसके जीवन में चैन नहीं था प्रेम नहीं था और ये जो व्यक्ति था इसने योजना बनाया कि परमेश्वर के में देखूंगा आई वॉन्ट टू सी गॉड आई वॉन्ट टू सी जीजस वन डे और जे किस जो था अब हम देखते हैं कि अपना जो कंफर्ट जोन था कंफर्ट जोन जो अपना घर था उसको छोड़कर कदम को लिया बाहर निकला प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए आज के जो ईसाई है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पा लिए हम लोग चाहते हैं वो बैठे रहने के लिए हम लोग चाहते हैं कि हर एक चीज मेरे जीवन में ठीक है और मैं यहां पे संतुष्ट हूं अतवार के कलिशिया आता हूं मैं संतुष्ट हूं यहां पे अपना जो प्रार्थना करता हूं अपना बाइबल पढ़ता हूं ये संतुष्ट है परमेश्वर क्या चाहता है परमेश्वर आज क्या चाहता है आपके जीवन से परमेश्वर ने आज हमें एक जिम्मेारी को भी दिया है जो सुसमाचार का जुम्मारी है हर एक जो ईसाई के कर्तव्य बनता है कि हम अपना जगह से निकलकर, अपने घरों से निकलकर और परमेश्वर प्रभिशु के विषय में बताए और के लिए प्रार्थना करें हाथ धरकर परमेश्वर आज में हर एक जन को यह शाम दिया है पवित्र आत्मा से भरा हर एक जन को और बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा आएगा आप शाम को पाओगे हर एक जन यहां पे सामर से भरा हुआ है हर एक जन के पास वह ताकत है परमेश्वर ने दिया है आपको कि आप अगर हाथ धरकर प्रार्थना करेगा जो जन बीमार है वे चंगे हो जाएंगे वे चंगाई को पाएंगे यीशु मसीह के नाम से गॉड हैज गिवन हिज पावर हिज स्पिरिट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ आस सो दैट वी कैन ले हैंड्स ऑन दिक जीज एंड कबाइ प्रस गॉड मैं अपने कलिशिया में अपने जो मैं है उनको बताता हूँ कि पादरी ने गौरना प्रार्थना करें अगर कोई जन प्रार्थना में पादरी ने गौरना आप खुद जाकर अपना हाथ धरकर और प्रार्थना करना और वे करते अभी करीबन तीन महीना हो गया एक एक जो बहन है प्रभि सुबह से की नहीं जानती है थोड़ी दूर पर रहती है कलिश से सख्त बीमार हो गई उसके हाथ के नीचे आ इन्फेक्शन है गए और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया बड़ा ऐसा घाव हो गया यहाँ पे और डॉक्टर ने कहा कि थर्टी परसेंट देता है इसके चेंज बच्चे के नहीं बची कुशिया घाव हो गए है भारी से डायबिटिक है और घाव हो गए सब चीज दिखाई देता है भीतर जो लंग्स वगैरह है ओगस दिखाई देता है और भीतर हाथ डांड कर जो हैं सफा करते और आईसीयू में ऑक्सीजन पे है अंतिम सांस पे है अंतिम घड़ी है उसके और कई एक महीना पहले उसकी जो बेटी थी बीमार थी हम लोग प्रार्थना किया और चंगी चंगी हो गई थी वो चंगाई को पाई थी और उसके दिल में एक विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता उसने संदेश को भेजा कि प्रार्थना चाहती है और मैं जाकर प्रार्थना किया मेरे कलीसिया के लोग जाकर प्रार्थना किए और हम लोग लगातार प्रार्थना किए तीन महीना जब तक अस्पताल में रही तीन महीना हम लोग जाके एवरी डे हम लोग प्रार्थना किया और हमने देखा कि परमेश्वर अपना जो कार्य किया चंगाई को पाई आईसीयू से निकलकर और अकूट सर्जिकल में आ गई प्रभु जय आईसीयू से निकल कर के सर्जिकल में ये जो घाव था भरने लगा इस पसी के नाम से डॉक्टर लोग खुद चकित हो गए कैसे कैसे हो सकता है लोग कहे कि थर्टी परसेंट ये जीगी और ये मर जाएगी इसका जो घाव इंफेक्शन जो है इंफेक्टेड हो गया है भीतर जो बैक्टीरिया है भीतर हो गया है नीचे अब राइट में पूरा फेल जीत में लेकिन आई सी यू में अस्पताल में थर्टी से ये काम करता है और मैं जानता हूं अगर आईसीयू में तुम चल दे लौटके आला बात कड़ा कड़ा बात है कड़ा बात है आई सी यू में नहीं, नहीं होना अगर आप चल दिया है, वहां से आए के बहुत खड़ा बात है लेकिन यीशु मसीह के द्वारा कोई खड़ा चीज नहीं है प्रभु की जय वहाँ से हम रिश्ता निकले यीशु मसीह के नाम से और ये जो बहन थी वहां से आई सर्जिकल वोट में और फिर उसके बाद में दो हफ्ता बाद फिर वो चल दी जो नॉर्मल वॉट नॉमल जहाँ पे आदमी सब नॉमल रहे और फिर उसके बाद में आज घरे चंगाई की पाई चंगी हो गई उसका घाव भर गया यीशु मसीह के नाम से हुआ उसके लिए अभी तक हम प्रार्थना करते हैं कि अपना जो जीवन है परमेश्वर दे सके इस चंगाई के द्वारा उसने उसके परिवार पूरे जो उस गांव है जहां पे पकलिशिया, कलाम्बो गांव के जो लोग आते थे जानते हैं पादरी प्रार्थना करे सिखाते थे वहाँ के जो लोग थे वे जाकर उसको देखते थे और यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई को पाई परमेश्वर ने उसको चंगाई को दिया वो भरोसा को रखी और यीशु मसीह आज चंगाई को दिया आज घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रही है परमेश्वर आज हमारे जीवन में अद्भुत कार कर सकता है और जो जय था अपने जीवन में उचाता था ये परमेश्वर का जो अद्भुत कार्य देखने के लिए और प्रभु यीशु मसीह जब उस नगर से गुजरा तो यह जो नाटा व्यक्ति है इसके कोई भी जो भीड़ के ताकत थे नहीं रोक सका प्रभु जय जो भीड़ के ताकत था जो लोग थे उसको नहीं रोक सके अगर आप अपने जीवन में ठाल दिए कि परमेश्वर के आप सेवा करोगे दिन कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता है प्रभु जय कोई भी ताकत नहीं रोकता रोक सकता है आपको निर्णय करना पड़ेगा अपने जीवन में कि हां मैं अपने जीवन में निर्णय करता हूं कि मैं आज और नित्य दिन परमेश्वर के विश्वास योग्यता से परमेश्वर के अपने लगनशीलता से अपने दिल से चाहत से अपने पूरे पूरे परिवार के साथ में होकर अपने दौलत से अपने समय से उसकी मैं सेवा करूंगा कोई चीज आपके निश्चित रोके खुद कुछ सके रोके आप आपकी इच्छा आपके जो कम विश्वास वो आपके रोकी अगर आप चाहता है परमेश्वर बलवत होने के लिए बढ़ने के लिए परमेश्वर के सही रकम से सही नजर से देखने के लिए उसके जो करीबता उसको पाने के लिए तो हमें अपने आप पे वो विश्वास लाना पड़ेगा कदम को लेना पड़ेगा और जैक जो जेक था उसके जो ताकत था भीड़ का नहीं रोक सकी भीड़ में से हो और जाके जो सिकम ट्री पेड़ था उस पर चढ़ गया परमेश मसीह को देखने के लिए प्यारे लोग आज भी हमें कुछ करना है परमेश्वर के देखने के लिए हमें उस ऊंचाई पर जाना है उस मुकाम पर जाना है जब तक हम लोग उस झील में रहेंगे नहीं देख सकेंगे हम लोग पहुंच सकेंगे उस जगह पर हम लोग जा नहीं सकेंगे जब हम लोग उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे अपने जीवन में जहां पे प्रभु यीशु मसीह रहता है जहां परमेश्वर रहता है परमेश्वर ऊंचे विराजमान जगह पर विराजमान करता है ऊंची जगह पर किसी झील में नहीं किसी दलदल में नहीं किसी कुएं में नहीं लेकिन परमेश्वर ऊपर विराजमान करता है हम लोग परमेश्वर को महिमा भाव जयकार करते हैं मोस्ट सुप्रीम गॉड हु इज एग्जॉल्ट ऑन हाई कि जो ऊपर है आज उसको मेमा करते और जैकेस ने ऊपर चढ़ गया और हम देखते हैं कि जब प्रभु प्रभुषु मसीह आया प्रभु प्रभुषु मसीह का जो निगरानी था उसके ऊपर पड़ा प्रभु की जय जब हम लोग ठान लेते अपने जीवन में कि हाँ परमेश्वर मैं ठान लिया हूं कि मैं चंगा आज पाऊंगा ये जो बीमारी मेरे जीवन में उससे मैं चंगाई पाऊंगा मैं विश्वास करता हूं पूरी तरह से हाँ प्रभु मेरे जीवन में जो समस्या है उससे मैं छुटकारा पाऊंगा मैं विश्वास करता हूं हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में पैसे की समस्या है हा परमेश्वर तू इसके खातिर जो जो सोल्यूशन उसको ढूंढेगा हा परमेश्वर मेरे जीवन में शायद कोई भी आदत है मेरे जीवन में शायद किसी का पाप है मैं जानता हूं कि मैं इसे छुटकारा पाऊंगा जो क्षमता है मुझे मिलेगा मैं विश्वास करता हूं प्रभु वो हो होकर प्रभु कीज वो हो होकर आपके जीवन में क्योंकि परमेश्वर आप आपके अंदर में है आपके साथ में है बाइबल कहती है कि जो तुम्हारे अंदर में है वो ताकतवर है विराजमान है जो बाहर है आपके जीवन से परमेश्वर आपके अंदर में है और आपके अंदर में होकर वो जो कार्य करेगा और जब यीशु मसीह आया जकिस ने दे उसको देखा यीशु मसीह के जो नजर है उस पर पढ़ा जिकस पड़ा उसका जो आंख है उनका जो आंख है एक दूसरे से टकराया यीशु मसीह पहले से जकीस के जो जीवन था उसके विषय में जानता था वो जानता था जो है कि मुझे देखने आया है आज मुझसे कुछ चाहता है और प्रभु यशु मसीह ठहर गया प्यारे लोग जब हमारा आग प्रभु यशु मसीह के ऊपर फोकस रहता है और हम देखते हैं यीशु मसीह को तो यीशु मसीह जब आता है वह ठहर जाता है हमारे जीवन में वो ठहर जाता है और वो ठहर कर साथ में जो रिश्ता है बनाना चाहता है वो जो रिश्ता है कायम करना चाहता है और हमारे जीवन के जो घर है उसमें आना चाहता है और यहां पे हम देखते हैं कि तमाम जो भीड़ था उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह ने जेकिस का जो दिल था उसको देखा प्रभु जय आग के द्वारा उसका जो दिल है वो देखा और देखा कि जो दिल है प्रभु मसीह के लिए भूखा है और प्रभु मसीह ने कहा उसको देख कर कि जय के नीचे उतरो मैं आपके घर जाना चाहता हूं प्रभु की जय कितना सुंदर बात कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति जो पाप पे डूबा जो चोरी करता है पैसा का लालच रखता है उसके जीवन में जो पाप है जो ड्राइवरी वगैरह करता है कि परमेश्वर प्रभु शुभ से घर जाना चाहता है आज प्रभु शुभ सबसे प्रेम करता है कोई भी जन है पापी है चाहे आप है, कोई भी जन है प्रभु ईशु आपसे प्रेम करता है आपसे दिलचस्पी रखना चाहता है एक ऐसा जो रिश्ता रखना चाहता है परमेश्वर हमें हमारे साथ में है और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर घर पर गया और इसके द्वारा परमी परमी जो आत्मा है के हृदय से टकराया और जैकिस ने कहा कि मैं पछतावा करता हूं मैं पछतावा करता हूं कि जो कुछ भी मैं किया है आज से बात नहीं करूंगा जो पैसा मैं लिया हूं जो आ, बेमानी में करा हूं जो पाप पे करा हूं मैं आज ये बात नहीं करूंगा और अपन देखते हैं कि प्रभु मसीह ने कहा कि आज के दिन उद्धार आपके घर में आया प्रभु की जय कि आज के दिन जो उद्धार है आपके घर में आया पूरे घराना जो है उद्धार को पाए प्रभु यीशु मसीह का क्षमादान को पाए और जय किस जो है अपना जीवन को बदल दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया आज हमें क्या करना है इफ यू वॉन्ट टू सी गॉड यू गॉट टू स्ट्रेच यूर सेल्फ बियॉन्ड अबिलिटी जो अबिलिटी है अपना जो डिसबिलिटी है जकी जो था उसका डिसबिलिटी था बहुना था और उसके द्वारा वो कई जगह पर नहीं जा सकता था दिक्कत पड़ता था लेकिन आज हमें क्या करना है वी हैव टू स्ट्रेच है जो विश्वास है उसको स्ट्रेच करना है अपना कदम को स्ट्रेच करना है आगे को बढ़ना है गॉड ऑल माइट इज नॉट गोइंग टू अलाउ द डेवल इवन टू हैव द लास्ट वर्ड इन योर लाइफ प्रभु की जय कि परमेश्वर मौका नहीं देगा शैतान के नहीं मौका दे शैतान के गॉड वॉन्ट्स टू हेल्प आस टू नो हिम ट वी कैन लीव आवर लाइफ प्लीजिंग टू हिम प्रेज द लॉन कि हमारा जो जीवन है आज परमेश्वर खातिर एक ऐसा जीवन रहे जो उसे परमेश्वर पसंद है क्यारे लोग जब हम परमेश्वर मसीह को देखना चाहते हैं परमेश्वर को अपना निगरानी फोकस रखना चाहते है क्या होता है आगे भीड़ आ जाता है नहीं दिखाई देता है भीड़ आ जाता है लंबे लंबे लोग जो है खड़े हो जाते हैं आगे पहाड़ खड़ा रहता है यीशु मसीह नहीं देख पाते ब्लॉक व्यू आ जाता है, डिस्टॉर्टेड जो व्यू आ जाता है और हम लोग यीशु मसीह के बनता देखे जो था यीशु मसीह को देखना चाहता था भीड़ आगे आगे कुछ दिखाई नहीं देता है सिर्फ खाली भीड़ दिखाई देता है खाली लोग दिखाई देते हैं जो पहाड़ दिखाई देता है हमारे जीवन में भी ऐसे आ जाता है कई एक जो कई एक समय हमारे जीवन में जो भीड़ आ जाता है हमारे जीवन में जो दीवार आ जाता है कुछ दिखाई नहीं देता है उस पर परमेश्वर मसीह को नहीं देख पाते परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैक्यूज जो था शॉर्टनेस वॉज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर हिम टू सी जीजस प्रेज द लॉर्ड एक्सक्यूज नहीं रहा ये जो उसका डिसेबिलिटी था वो एक्सक्यूज नहीं रहा आज हम भी जो ईसाई लोग हैं हमारे बीच में बहुत कुछ एक्सक्यूजेस रहता है परिषद सेवा करने के समय आता है लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस वी क्रिस्ट टू हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस इन सेविंग गॉड लेकिन यहां पे जे था उसका एक्सक्यूज नहीं था चढ़ गया पेड़ पे और ऋषि मसीह को देख लिया आज बाइबल जो है कहता है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में कुछ भी कर सकता है थ्रू टूडे आज तुम्हारा जीवन तुम जो चीन पे गुजरता है जैसे जेकि जो था अपने जीवन में वो गुजरता था ये जो आ, परेशानी से ये जो आ, आप के जो कार था उसे लेकिन हम देखते हैं कि प्रभिषु में से आया उसको बदल दिया अ हेल्थी व्यू ऑफ गॉड टेक्स टाइम टू अक्वायर बट फिगरिंग आउट हु गॉड इज थ्रू हिज वर्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट द लॉर्ड कि जब हम लोग जानेंगे है परमेश्वर तो क्या होगा हमके जीवन में हर एक चीज जो है सरल हो जाएगा हम लोग फिगर आउट कर सकेगा कि कौन है परमेश्वर हमारे कौन सी कर सकता है आज हम यही प्रार्थना है कि परमेश्वर मेरा जो आत्मिक खोल है वो खोल दे, कि मैं देख सकू आप कौन है ओपन द आई ऑफ अट आई बे सी यूज द लॉर्ड कि परमेश्वर मेरा आंख को खोल दे कि मैं आपको देख सकू आपके बह और जयकार कर सकू कि कोई भी मेरे जीवन में कोई भी मुसीबत आए परमेश्वर में तुझे सेवा कर सकूं? आज हमें परमेश्वर का जो अच्छाईपन है अपने जीवन में लेना है क्योंकि हर एक जन जो यहां पे बैठा है हमारे जीवन में परमेश्वर का जो चरित्र है वो रहना बहुत जरूरत है एवरी सिंगल ऑफ आर्स देर आर सिटिंग नीड्स टू बे द इमेज ऑफ गॉड द लॉर्ड परमेश्वर के जो चरित्र है उसको लेना है अपने जीवन में Our physical appearance won't change when we become Christ followers, but it will be spiritually transformed and begin to look more and begin to look more and more like Christ based on our character and behavior. Praise the Lord. कि हमारा जो जीवन है, शायद ऊपर से नहीं बदले, लेकिन अंदर से वो बदल बदल जाएगा. हमारे जीवन जो है, एक ऐसे मुकाम पर आ जाएगा, जहाँ पे परमेश्वर जो है, हमें perfection लेकर आएगा. और साथ साथ परमेश्वर अपना जो वरदान है हमें देगा कि उसके इस चरित्र के द्वारा हम परमेश्वर की नाम की ऊंचा लड़ाएंगे उसकी नाम की महिमा और झिझकार करेंगे मेरा जो बा है नाइन्टी ईयर्ज ओल्ड हम अम्मा नाइन्टी ईयर्स ओल्ड हम संग रहे तंदुरुस्त है चले फिरे है लेकिन एक करो छोची में करीबन दो साल पहले बोले हमें दिखाए है दिखाई नहीं धुंधला साल दिखावे तो हम क्या करें उनके आई डिपार्टमेंट की डॉक्टर पते इसकी बोले मोतियाबीन है उसको निकाले पड़ी जो पर्दा चढ़ता है और उसका जो पर्दा है उसको निकाल दिस और एक बार फिर से क्लियर देखे लगा 90 इयर्स ओल्ड है लेकिन किया दे चश्मा नहीं पहने द हाई क्लियर हम कौन जीवनता बताया है कि हम के जीवन में एक बार आत्मिक तरह से मोतियाबिंद की नहीं हो जाए ना मोतियाबिंद की नहीं हो जाए उसको निकालना है समय समय पर निकालना है साफ करना है कि हमारे जीवन में किसी तरह की दिक्कत ना हो पाए देखने में परमेश्वर के आत्मिक तरह से हम लोग परमेश्वर को मांगो हर वक्त देखते रहो हमारा जो नजर है हमारा जो आंख है साफ रहना है क्लियर रहना है कि हम उसको देख सके कि हमारा जो फोकस उसमें बने रहे कि उसके द्वारा हमारा विश्वास में कायम रहे कि हमारा नजदीक रहे परमेश्वर आज परमेश्वर हमें एक चीज बताता है कि अपना जो नजर है आज हमें उठाना है आज हमें अपना नजर को उठाना है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उठाया अपने नजर को और देखा जैकियस को पेड़ पे, जेकेश ने अपने नजर को उठाया उठाया और देखा यीशु मसीह उस रास्ते पे, आज हमें उसको उठाना है आज लुक चैप्टर 11 वेस्ट 41 मैं बताना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उठाया है जो नजर

कर देखा और जो था अपना जो अनबिलीव से जो सराउंडिंग uh, था जो था उसके जीवन में उससे uh, आगे जाकर और अपना जो आँख है प्रभुषु मसीह रखा ही पुट in मोमेंट ही पुट Lord फुल जब हमारा आंख प्रभुषु मसीह में उसका मतलब है हमारा जो भरोसा हमारा जो विश्वास पूरी तरह से प्रभुषु मसीह में कायम है बना है To lift up your eyes doesn't mean you see things with your natural eyes. It means you shut out the natural world around you. You focus on Jesus and understand your help is in Him. Praise the Lord. You can feel His power. He is bigger, far more greater.

उसके विरोध उसके चढ़ के भी उसके अगेंस्ट भी तब भी हम लोग परमेश्वर के सत्ता अपना विश्वास करें क्योंकि वो विराजमान है आखिरी में आज मैं बताना चाहता हूं ग्यारह लोग महान सर्वशक्तिवान परमेश्वर जो We serve a God who is the most high, seated on the great throne of in heaven. Whenever anything or anyone lower than God tries to challenge you, God shows up every time and says, सिट बैक एंड वॉच मी परफॉर्म ऑन योर बिहाफ रिजल लॉर्ड कि परमेश्वर जो है उसे शिकार से बैठा अगर कोई भी ताकत आपके इस जीत में आकर आपसे चैलेंज करता है आपको गिराना चाहता है चाहे बीमारी ताकत हो चाहे किसी रकम के जो समस्या की ताकत हो किसी रकम के फैमिली के जो प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है कोई राम के ताकत हो इसके बावजूद भी परमेश्वर अपना जो ताकत दिखाकर और आपके साथ में होकर जो कार्य वो कर सकता है बुक ऑफ फेस्ट क्वे चैप्टर नाइन वेस्ट ट्वेंटी फोर कहता है नो यू नो दैट दे विच रन इन द रेस रन ऑल बट वन रिसीव द प्राइज सो द रन दैट ही मे ऑपटेन प्राइज इस समय हम प्रार्थना करें हाल ही जीसस पिता परमेश्वर आज हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु मसीह के नाम से आज हम धन्यवाद देते हैं कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तू विराजमान है राजा का राजा प्रभु का प्रभु सब कुछ करने वाला परमेश्वर तेरे हाथ से कोई भी चीज बाहर नहीं तू आज विराजमान है इस पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में हर एक चीज के ऊपर और आज हम तेरे नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं आज अपना जो निगरानी है परमेश्वर हम तुझ पे रखते हैं आज हम चाहते हैं प्रभु तुझे देखने के लिए साफ तरह से साफ तरीके से किसी राम के बाधा ना रहे प्रभु दुलनापन ना रहे किसी के रुकावट ना रहे हमारे जो रिश्ता है आपके साथ में हे प्रभु आज तुम्हें मदद कर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मदद कर प्रभु कि हम उस काबिलियत बन सके इसे तू चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा और जिचिकार हो सके तू आज हमें मदद कर अगुवाई कर और प्रभु आज हम बिनती करते हैं अगर हम में से कोई भी जन यहां पे है आज आया है किसी मांग लेकर शायद बीमार है आज हम उस बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु तू छू दे उस शरीर को जो आज रोग से है ईशु मसीह के नाम से कि वो जो रोग है उस शरीर छोड़कर चला जाए स्वतंत्रता को पा सके चंगाई को पा सके तेरे नाम से और प्रभु तू विराजमान रहे उस शरीर में क्योंकि तूने इसको बनाया है अगर कोई भी जन आया हमारे बीच में प्रभु किसी मांग लेकर किसी संकट है भय है प्रभु किसी रकम के डर है किसी रकम के उनके जीवन तकलीफ है अगर मुसीबत है आज हर एक चीज को तेरे पास लेकर आता हूं हे जानते हुए प्रभु कि तेरे हाथ में जो कुछ भी सौंपा जाता है सो कर सकता है आज पूरे विश्वास से हम विनती करते हैं कि हर एक जो भाई बहन को तो छू दे जिन्होंने अपने मांग कराया है पूरी से तो उसको पूरा करना उनके जीवन में आश्चर्य कार्य करना प्रभु जी आज हम धन्यवाद देते हैं इस कलिशिया के लिए यहाँ के जो अगु लोग के लिए हर एक जन के लिए प्रभु जो इस कलिशिया में आते सब पर तेरा आशीष रहे तेरा अनुग्रह तेरा शांति तेरा धीरज तेरा प्रेम सदा बना रहे आज ये जो प्रार्थना है आज के जो बचन है हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं हम सब बोले यही